ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 हरि ओम। सबसे पहले मैं बंकिम महाराज को प्रणाम निवेदित करता हूँ। उनको मैंने बताया था कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उन्होंने आग्रह किया, थोड़ी बहुत गलती हो गई तो कृपया मुझे माफ करना। तो हम अभी भक्ति योग में ये लास्ट चैप्टर जो है वो पर्टिकुलर सेक्शन का वो हम देखेंगे, भक्ति के साधन। तो उसमें स्वामी जी ने जो जो कहा है वो बहुत ही क्लियर है, उसमें कुछ डाउट होना नहीं चाहिए हमें। इसलिए मैंने हिंदी का भी पढ़ लिया अभी और इंग्लिश का भी साथ ही साथ कंप्लीट वर्क्स में पढ़ रहा था। तो आपके जो युवा महामंडल के जो ये है सदस्य है वो पढ़ रहे थे, तो उसमें कई सारे अच्छी अच्छी बातें आई, तो उसे हम हाईलाइट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये भगवान रामानुजाचार्य जो है उनका उन्होंने कहा कि विवेक विमोख मतलब दमन अभ्यास, और फिर क्रिया कल्याण मतलब पवित्रता, अनवसाद बल, और अनुधर्ष उल्लास के विरोध से होता है। तो ये सब पर्टिकुलर जो गुण है उन्होंने उसके ऊपर कहा है। और फिर स्वामी जी का ये उन्होंने उसके ऊपर कुछ बताया है, और फिर उसके बाद हमें इंग्लिश में वो कहा गया है कि विवेक और डिस्क्रिमिनेशन और फिर कंट्रोलिंग द पैशंस प्रैक्टिस सैक्रिफिशियल वर्क प्योरिटी स्ट्रेंथ एंड सप्रेशन ऑफ एक्सेसिव जॉय। तो उसका उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई है, और उसकी व्याख्या स्वामी जी ने बहुत अच्छे तरह से किया है। और फिर स्वामी जी ने नेक्स्ट पैरा में कहा है शंकराचार्य के जो भाष्य का जो भाष्य है उसमें उन्होंने कैसे उसको इंटरप्रेट किया है। तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि आहारा ट्रांसलेटेड जनरली एज फूड एंड अकॉर्डिंग टू हिम दैट विच इज गैदर्ड इन इज आहारा। द नॉलेज ऑफ द सेंसेशंस सच एज साउंड एक्सेट्रा इज गैदर्ड इन फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द एंजॉयर, द प्यूरिफिकेशन ऑफ द नॉलेज विच गैदर्स वगैरह वगैरह ऐसा सब कहा है। फिर स्वामी जी ने कहा है नेक्स्ट पैरा में दीज टू एक्सप्लेनेशंस आर अपेरेंटली कॉन्फ्लिक्टिंग यथ येट बोथ ट्रू एंड नेसेसरी। तो स्वामी जी ने यह दोनों का समन्वय किया है कि जो रामानुजाचार्य का जो उनका जो एक भाष्य है वो विशिष्ट अद्वैत का एक भाष्य है उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने लिखा है ये वेदांत सूत्र जो हमने देखा, तो ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र और भगवत गीता के ऊपर उन्होंने कॉमेंट्री की है, लेकिन उनकी कॉमेंट्री जो है उनकी जो फिलोसफी है उनके ऊपर उन्होंने की है, और भगवान अपने आचार्य शंकराचार्य जी ने उनकी कॉमेंट्री की है अद्वैत वेदांत के ऊपर। तो बाहर से देखेंगे तो दोनों में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ऐसे स्वामी जी कहते हैं, लेकिन फिर स्वामी जी ने उसका समन्वय किया है। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो स्वामी जी का जो कंप्लीट वर्क्स है उसमें कुछ लेक्चर्स उन्होंने अमेरिका में दिए हैं, कुछ लेक्चर्स इंडिया में दिए हैं, कुछ लोगों ने कॉपी पेस्ट करके कुछ कंपाइल भी किया है। तो उसका जो ये है तो समन्वय हमें इसमें दिखता है, तो शंकराचार्य का भी समन्वय दिखता है उसमें, और रामानुजाचार्य का भी समन्वय उनका फिलॉसफी जो है उसका समन्वय दिखता है। फिर तीसरा जो है ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी मतलब द्वैतवाद, जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें द्वैतवाद भी आता है ड्यूअलिस्ट, तो वो हमारे जो कर्नाटक है तो उधर ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफी बहुत ज्यादा है। वहाँ वो भगवान कृष्ण के उपासक है कर्नाटका में, और वहाँ वो द्वैतवाद को ज्यादा मानते हैं। और यहाँ तमिलनाडु में रामानुजाचार्य के बहुत बड़े बड़े आश्रम है मठ है, और उनकी जो फिलॉसफी जो है
बहुत फॉलो करते हैं यहाँ के अधिकांश लोग। और शंकराचार्य, जैसे आपको मालूम है, अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी उन्होंने ये किया है, प्रचार किया है, और फिर उसका समन्वय स्वामी जी ने किया है तीनों का। और ये इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू सोसाइटी कि स्वामी जी का फिलॉसफी में तीनों का समय है। और ठाकुर का जीवनी में हमें मिलता है कि कौन सा भी इस फिलॉसफी हो, उस वो फिलॉसफी फॉलो करके आपको ईश्वर दर्शन हो सकता है, ये हमें स्वामी जी ने बताया। लेकिन ठाकुर के जीवनी में हमें यह सब दिखता है। तो ये जो अभी इंग्लिश में मैंने थोड़ा सा पढ़ा और हिंदी में भी देखा है, तो उसमें सब कुछ थोड़ा सा ठीक ही दिख रहा है कि उसमें कुछ विरोधाभास तो होना नहीं चाहिए। फिर भी ये सब जो हम पढ़ते हैं उसमें कभी कभी डाउट भी आ जाता है। तो ऐसा हमें जब भी कुछ डाउट आए तो हमें श्री राम कृष्ण मतलब ठाकुर जी की जीवनी और उपदेश उसको रिफर करना चाहिए। और दूसरी बात, स्वामी जी ने जो कहा है कंप्लीट वर्क्स में और प्रवचनों में, वो उसको कोरिलेट करना है माता जी की जीवनी और उपदेश से और ठाकुर की जीवनी और उपदेश से। तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें डाउट बहुत ही कम आएगा। तो ये एक चीज बतानी थी मुझे। और बाकी तो यहाँ तो सब कुछ एकदम क्लियर कट है, इसमें कुछ होना नहीं चाहिए डाउट। फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया है। तो हमें यह स्वामी जी का एक कहानी है, वो गृहस्थ का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए और एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो वो कहानी में उन्होंने कहा है कि एक राजा था और वहाँ एक स्वयंवर हो रहा था, और फिर वहाँ पे वो एक साधु आया था, और फिर वो पर्टिकुलर राजा की जो राजकुमारी थी उन्होंने उसका वरण किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर वो चले गए वहां से। फिर वो पीछे पीछे वो दूसरे जो साधु थे उन्होंने दूसरे एक राजा को बता दिया कि देखो, जो त्याग करता है उसको एक राजकुमारी प्लस हाफ ऑफ द किंगडम मतलब उनके राज्य का आधा उनको देने को तैयार थे, फिर भी वो साधु ने एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर वो वहां जंगल में गए तो वहां उन्होंने देखा कि वहां भूखे प्यासे थे, और फिर वहाँ एक पक्षी थे, और फिर पक्षी ने अपना समर्पण करके उन्होंने अपना देह त्याग किया, और फिर वो राजा को बता दिया उन्होंने कि देखो, ये है हाउस होल्डर का धर्म कि वो हमेशा कि दूसरों का हित चाहते हैं, और उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया। तो स्वामी जी और ठाकुर का यही मानना है कि हमारा जो कर्तव्य जो है, हम जिस लाइफ के स्टेज में है उस लाइफ स्टेज में हमें वो इम्प्लीमेंट करना है। तो जो ज्ञान योग है, जो साधु है और वो जो सन्यासी है और ज्ञान योग के मार्ग में चल रहे हैं, तो उन्हें उन्हें यह चाहिए कि हमें ज्ञान मिश्रित भक्ति वह भी करना है। और फिर कितना भी प्रलोभन हो, भले ही कितना आपको आधा राज्य दे या ऐसे ही कुछ हो, फिर भी आपको त्याग का आदर्श लोअर नहीं करना चाहिए। और हाउस होल्डर का जो है उसको भी यही आदर्श ये दिया है कि कैसा हमें जीना है। तो ये सब एक आइसोलेटेड केसेस नहीं है, हमें सब कुछ उसको एक साथ देखना है। फिर हमें एक वचनामृत में नारायण शास्त्री का एक एग्जाम्पल देते हैं। तो नारायण शास्त्री ठाकुर के एक डिवोटी थे, और उन्होंने बहुत मतलब सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी और बहुत सारे विद्वान उनको कहा जाता था। लेकिन जब वो ठाकुर के पास आए तब उन्होंने देखा कि मैं तो सिर्फ 30 साल या 35 साल सिर्फ अध्ययन किया हूँ, लेकिन जीवन में मैंने ये सब देखा नहीं जो ठाकुर जी ने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है। तो उन्होंने फिर वो उनका वो जो ठाकुर से संन्यास दीक्षा ली और चले गए वहां से। और फिर वो बोले कि भाई बाकी का
जीवन में साधन भजन में करूंगा और आपके कहे अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो हमें यह सब देख के हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस पोजीशन में है। हम अगर भक्ति का मार्ग करना चाहते हैं तो भक्ति का पूरा अध्ययन करना चाहिए और फिर उसके बाद हम जिस राह में चलना चाहते हैं आगे उसको थोड़ा सुदृढ़ करना पड़ेगा हमें। फिर एक घटना है कि एक महापुरुष महाराज एक बार बेलूर मठ में थे तो हमारे एक स्वामी जी उनको बता रहे थे कि भाई हम अभी क्लास में जा रहे हैं और उपनिषदों का क्लास है तो हम थोड़ा पढ़ाई करना चाहते हैं। तो महापुरुष महाराज ने कहा कि भाई अच्छा ही है और ये तो बहुत अच्छा है तुम शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हो, लेकिन शास्त्र और ये सब अध्ययन वगैरह करनी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि भाई तुम हमारी जीवनी देखो, हम लोग क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, जप ध्यान साधन भजन ये सब जो चीज है उससे तुम्हें ज्यादा ध्यान मिलेगा, नहीं तो सिर्फ उपनिषद और वो उसका शंकर भाष्य और वो सब तो पढ़ना अच्छा है लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में तुम देख सकते हो। ऐसे महापुरुष महाराज ने एक इंसिडेंट में कहा, उनकी जीवनी अगर आप देखेंगे उसमें एक इंसिडेंट आता है कि हम जो पढ़ते हैं तो उसके साथ उसका मेल होता है, वो उससे तुम सीख सकते हो। नहीं तो ऐसा होता है कि वो एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल एंजॉयमेंट होता है या इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स जैसे हम बोल सकते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ इंटेलेक्चुअल इसके लिए पढ़ रहे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, हमें उसमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है हमारे जीवन में। और एक छोटी सी बात ये है कि एक डायरेक्ट डिसाइपल थे स्वामी योगानंद जी महाराज, वो एक बार नौका में जा रहे थे और फिर ठाकुर के पास, तब उन्होंने देखा कि कोई जो नौका में सवार लोग है उनका मजाक कर रहे थे, ठाकुर जी को मजाक कर रहे थे, तो फिर वो चुपचाप सह लिए और उसके बाद वो ठाकुर जी के पास आके बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो ठाकुर जी नाराज हो गए, बोले तुम्हें तो प्रतिकार करना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था तो गलत है करके। तो योगानंद जी महाराज ने बोला कि नहीं मैं तो कर नहीं पाया उनका ये प्रतिकार। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ उससे तुम थोड़ा सा ये करो, अपने आप को दृढ़ बनाओ। तो ऐसी सेम घटना होती है निरंजनानंद जी महाराज के साथ, वो जब नौका में आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनकी निंदा की, फिर वो मजाक किया, फिर ठाकुर जी को भला बुरा कहा, फिर वो धमकी देने लगे कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तुम तो फिर मैं नौका डुबा दूंगा। तो फिर वो डर गए और सब क्षमा मांगे और सिर्फ फिर सब ठीक हो गया। फिर वो निरंजनानंद जी महाराज ने ठाकुर को जाके बोला कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई और मैंने वो नौका डुबाने की कोशिश की और उसने माफ भी मांगी और ऐसा। तो ठाकुर जी उनके ऊपर बोले कि भाई तुम्हें अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा बता दिया। तो देखो ये जो है भक्ति योग है उसमें एक डिसएडवांटेज भी है, अगर वो सॉफ्ट व्यक्ति थे योगानंद जी महाराज तो उनको तो ठाकुर के प्रति भक्ति थी लेकिन उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर ने उनको बताया कि भाई यू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा और बलशाली बनाओ। और निरंजनानंद जी महाराज का उसी टाइप एग्जाम्पल था, तो ठाकुर ने कहा कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो। तो सेम इंसिडेंट का दो अलग अलग प्रकार से उसका उपदेश दिया है ठाकुर जी ने। तो ये सब जो उपदेश और ये सब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा स्पेसिफिक हमें देखना पड़ेगा कि किसके लिए कि कौन सा उपदेश का उन्होंने कहा है, यह हमें देखना पड़ेगा। और फिर ये है रामानुजाचार्य जो है उनका फिलोसफी जो है वो है विशिष्ट अद्वैतवाद, और पिछले साल हम गए थे वहाँ, हम और कुछ साधु लोग, वहाँ उनका पार्थिव शरीर अभी भी रखा है, भले ही वो 800 साल हो गया है
फिर भी वो कर्पूर और अलग अलग प्रकार के लेप वगैरह लगा के वो 800 साल पुराना जो शरीर है उनका अभी भी वहाँ श्रीरंगम के मंदिर में, जो विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर जो है, तिरुचिरापल्ली में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसके कोने में उनका पार्थिव शरीर अभी भी रखा है। और फिर उसका जो ये है, उनका जो फिलॉसफी है वो भी हमें देखने को मिलेगा, वहाँ कई सारे आश्रम है। फिर ये हमने ये देख लिया है कि कैसे एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हमें केयरफुली देखना है। फिर ये पूज्यवाद भूतेशानंद जी महाराज की कुछ किताबें हैं, वचनामृत प्रसंग, उसका इंग्लिश में है, श्री राम कृष्ण एंड इज गॉस्पेल, उसमें महाराज ने कहा है कि हमारा जो ये है ह्यूमन बीइंग, उसको थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, या ऐसे तीन पर्टिकुलर चीजें हैं। थिंकिंग जो है हमारा इंटेलेक्चुअल जो ये रहता है, ये करने के लिए हमें ज्ञान योग का सहारा लेना पड़ता है, और फीलिंग जो है उसके लिए हमें भक्ति योग का सहारा लेना है, और विलिंग, तो विलिंग मतलब हम जो कर्म करना चाहते हैं जीवन में, तो वो कर्म योग के द्वारा हमें उसको करना है। तो एक और मतलब हमारा जो ह्यूमन ये जो है नेचर, वो तीनों भाग में डिवाइड करके तीनों को एक साथ हमें उसको डेवलप करना है। सिर्फ भक्ति योग करके ऐसा नहीं, तो भक्ति योग के साथ थोड़ा सा ज्ञान योग, ज्ञान योग के साथ थोड़ा सा कर्म योग जीवन में लाना है, तो ऐसा कहा दिया है महाराज के। और फिर स्वामी भूतेशानंद जी महाराज की और एक नारद भक्ति सूत्र करके किताब है, उसमें भी कई सारे आपको टिप्स मिल जाएंगे। और हमारा जीवन वो सिर्फ ये किताब पढ़ के थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं है, जितना हो सके लाइफ को चेंज करना है, और बहुत साधना करने की जरूरत है। और बाकी तो ये जो आपको, हाँ, तो ये ऐसा है कि ये भक्ति योग साधना वगैरह तो हमें करनी ही है। और माधवानंद जी महाराज, श्रीमद स्वामी माधवानंद जी महाराज की एक ये है, उनको कहा गया था, तब उन्होंने कहा था कि जब हम यंग रहते हैं तो अपना जो मन जो रहता है बहुत थोड़ा सा विचलित वगैरह होता है, इधर उधर होता है, लेकिन अपना शरीर जो है बहुत स्ट्रांग रहता है। तो हम लोग विल पावर के माध्यम से हम उसको मन को वश में ला सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब ओल्ड एज आ जाता है तो थोड़ा सा बॉडी थोड़ी वीक हो जाती है, लेकिन मन अगर साधना पहले से करते रहे तो मन एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो उसके द्वारा हम ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना वगैरह कर सकते हैं। और इसके बाद फिर लास्ट में एक मैं कहना चाहूंगा कि शंकराचार्य जी का जो जो कमेंट्री है गीता के ऊपर, उपनिषद और इधर ब्रह्म सूत्र जो वेदांत सूत्र वगैरह बोलते हैं, तो उनकी जो कमेंट्री है अद्वैत वेदांत के ऊपर है। और उनका झुकाव जो है ना, तो झुकाव जो है वो मोनिज्म, मतलब अद्वैत वेदांत के ऊपर श्रवणन मननन और निधिध्यासनम, उसके ऊपर ज्यादा झुकाव है। तो वो ये मानते हैं कि ज्ञान योग से ही मुक्ति मिलती है, और भक्ति योग जो है उसको इट विल ब्रिंग यू अप टू दैट ज्ञान योग्यता, ज्ञान के जस्ट पहले आपको मतलब आपको योग्य बना देंगे ज्ञान के लिए, ज्ञान योग पे चलने के लिए योग्य बना देंगे। और फिर हमारे यहाँ ये कोयंबटूर जो है तमिलनाडु में, यहाँ बहुत ये है, कुछ आश्रम वगैरह है वहाँ, उसकी बहुत साधना होती है ज्ञान योग का जो ये है, बहुत वेदांत के ऊपर बहुत चर्चा होती है, और कई सारे लोग विदेशों से भी आते हैं, और हजार हजार लोग उसका उसका अध्ययन करते हैं, और उपनिषदों का उसके कमेंट्री मतलब भाष्य और टीका, ऐसे कई लोग यहाँ
ये करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज की कमी रहती है कि वो भक्ति योग को ज्यादा ये नहीं देते, प्राधान्य नहीं देते, क्योंकि वो हमारा रामकृष्ण मिशन और स्वामी जी का ही एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हम चारों को महत्व देते हैं, लेकिन बाहर के कुछ कुछ संस्थाएं में देखते हैं कि वो सिर्फ अध्ययन पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी इसमें ज्यादा फोकस नहीं करते। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा। और लास्ट में मैं कुछ एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ये आए थे, एक अमेरिका से एक नोबेल प्राइज विनर केमिस्ट्री में, श्री रामकृष्णन वेंकट रामन। तो वो 5 साल पहले उनको यहाँ आने का अवसर मिला था, और उनके पिताजी जो है वो प्रोफेसर थे, और वो बीच बीच में हमें डोनेशन भी देते थे, वो गरीब बच्चों के छात्रवृत्ति वगैरह, स्कॉलरशिप्स वगैरह। तो नोबेल प्राइज विनर यहाँ आए थे 5 साल पहले, तो उनके पिताजी के साथ, पिताजी लगभग 95 के अबव रहेंगे और वो जो है सज्जन 65 के ऊपर है। तो उन्होंने हमें मिले थे, तो हमें हमें पूछा था कि भाई आप लोग जो रामकृष्ण मिशन में हो, तो आप लोग यहाँ क्या विशेषता है आपकी? तो हमने इतना ही कहा कि भाई देखो, हमारा तो चारों योग को हम चारों महत्व देते बहुत महत्व देते हैं, मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग। और यहाँ जो हम स्कूल कॉलेज चलाते हैं या हम सेवा करते हैं सोसाइटी की, और वो एक प्रकार के वो कर्मयोग का जैसा है। और भक्ति योग मतलब हम अलग अलग साधु संतों और इनकारनेशन, मतलब बाकी सब का जो हम आराधना आराधना पूजा वगैरह करते हैं, वो तो भक्ति योग में आता है। तो कर्मयोग भक्ति योग भी होता है, उसका समन्वय। और ज्ञान योग जो है हमारा जो अध्ययन होता है, ठाकुर माँ स्वामी जी का लिटरेचर, इंडियन फिलोसफी या ऐसा सब वेस्टर्न फिलोसफी या ऐसा जो अध्ययन होता है, तो उस हिसाब से हम ज्ञान योग की चर्चा भी करते हैं, कभी कभी अध्ययन करते हैं या कभी कभी लेख लिखते हैं या ऐसा सब प्रयास करते हैं। और यहाँ राजयोग में हम तो अपना जो गुरु ने जो बताई हुई ये है प्रणाली है, उस हिसाब से हम करने की चेष्टा करते हैं। तो ये चारों जो ये है उसको हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ कोयम्बतूर में। तो ऐसा बोल के उनको भी अच्छा लगा, और वो भी बहुत संतुष्ट हो गए और वो यहाँ से चले गए। क्योंकि ऐसा है कि जो लोग पाश्चात्य देशों में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या बहुत ही मतलब जहाँ ये सब सुविधा नहीं मिलती, तो फिर वो वहाँ थोड़ा सा उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे हमने अभी आज पढ़ा कि क्या क्या खाने पीने में ये रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए और ऐसा वैसा, तो जो विदेशों में रहते हैं उनको थोड़ा संभव नहीं होता। तो इसलिए वहां बीच में स्वामी जी ने कहा है कि अगर आप ये भी खाएं कि जो मतलब अपना मन जो है उसमें भगवान के ऊपर लगाना चाहिए, वो ऐसा बीच में आया है कि अब उसको नॉन वेजिटेरियन या ऐसा कुछ बीच में आया था, तो वो भी अगर खाए तो भी चलेगा, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज है भगवान में मन लगाना। तो ऐसा नहीं बोलते कि स्वामी जी की भाई तुम अभी मांस खाना चालू करो, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन अगर आप मांस भी खाते हो, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जोर मत दो, जोर इसके ऊपर दो कि भाई हम भगवान में मन लगाए हुए हैं। तो हाँ, तो ये बीच में जो लिखा है, घास फूस खाने वाले जानवरों को कोई विशेष उन्नत नहीं कहा जा सकता, तो उसमें विरोधाभास हमें मिलेगा, लेकिन स्वामी जी का मतलब वैसा नहीं है। उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते कि भाई भगवान के प्रति मन रखो। वो इम्पोर्टेंस बताने के लिए स्वामी जी ने कहा कि भाई तुम सुअर का मांस भी खाओगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ ये फिर भले ही वह प्रतिदिन चूकर मांस ही क्यों ना खाता हो, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें भगवान के ऊपर
श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए और उनमें मन लगाना चाहिए, वो उनका मेन ये था, एम्फेसिस था। तो यही कुछ बातें मैं शेयर करके आपको, मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और बंकिम महाराज से मैं अनुरोध करूंगा कि मैं तो पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ और मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मुझे जितना भी समझ में आया उतना मैं बता पाया हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद महाराज जी हमें भक्ति योग पर मार्गदर्शित करने के लिए। महाराज जी द्वारा बताए गए भक्ति योग के दशम अध्याय पर अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं और महाराज जी से पूछ सकते हैं। मुकेश सोनी जी का हैंड रेस है, मुकेश जी आप प्रश्न पूछिए महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। हाँ नमस्कार प्रणाम जी। महाराज जी अभी रिसेंटली आपने जो बताया कि भोजन पे हम लोगों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, खास ध्यान हमारा भक्ति योग पे होना चाहिए और उसकी गहराई पे होना चाहिए, है ना? करेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है महाराज जी कि हम लोग तो शुरुआती साधक थे, ठीक है, और कई लेक्चर्स और सुनने में आया है कि यदि हमको भक्ति में या इस मार्ग पे आगे बढ़ना है तो हम लोगों को खान पान का जब ध्यान में विशेष ध्यान रखना चाहिए, कुछ जगह कंफ्यू, ये सारी चीजें आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रही है। जैसे महाराज जी स्वामी जी की बुक है या फिर ध्यान योग है और इनमें सब में हम लोगों को पढ़ने में आता है कि भोजन पे विशेष ध्यान रखोगे तो उन्नति जल्दी होगी। ठाकुर जी, फिर ठाकुर जी ने भी कई जगह अपने हाथ से भोजन बनाया है, कई वर्षों तक उनने दूसरे का हाथ का नहीं खाया, और दूसरी बात कि वो ऐसी जगह भी नहीं जाते थे या उनके यहाँ भी नहीं जाते थे जो अधम गति के साधक होते थे या फिर जो दुष्चरित्र के साधक होते थे या दुष्चरित्र व्यक्ति रहते थे, उनके हाथ का नहीं खाते थे, उनके पत्तल में किसी प्रकार की होने लगी थी। तो आगे हम लोग कहते हैं कि ठाकुर जी भी कई बार वो मना कर चुके हैं कि ऐसे नहीं है, और जैसे रात का भोजन के लिए भी कई जगह ठाकुर जी तो पढ़ने में आता है कि वो मना कर देते हैं। एक जगह मुझे पढ़ने में आया था कि माँ कहती है कि ठाकुर को अर्पित करके सब कुछ खाओ, ईश्वर को अर्पित करके जो कुछ भी खा रहे हो खाओ, तो ये सब कॉन्फ्यू आपस में कॉन्फ्लिक्ट, क्या बोल सकते हैं अपन, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। हाँ वो हाँ, तो आपका प्रश्न हो गया क्या? मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कंफ्यूज है कि असल में क्या करना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें यदि कुछ सामने आ भी जाती है और हम लोग अन्न का अपमान तो करना नहीं चाहते हैं, कहीं पे हमको जाना भी पड़ता है, वहाँ भोजन परोस दिया जाता है तो हम लोग अपमान तो कर नहीं सकते, हम फील्ड वाले रहते हैं, कई बार ऐसी जगह भी हमको ग्रहण करना पड़ता है, जैसे कहीं दूर गए और वहां पे कुछ खाने को नहीं मिला तो किसी होटल में ही है जाके हम लोग कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, पर वो जगह मन में एक वो रहता है कि यार कैसे खाएंगे, या फिर अन्न के प्रति घृणा का भाव, उन सब चीजों को दर किनार करके किस चीज को हम लोग फॉलो करें। अभी वो माता जी ने कहा है ना कि वो एक कोई महिला जो थी वो ठाकुर जी को अन्न ले जाती थी, तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई वो महिला के हाथ तुम अन्न मत भेजो क्योंकि मैं वो उनका स्पर्श किया हुआ अन्न नहीं खा पाऊंगा। और फिर माता जी बोलती है कि भाई वो तो मतलब भक्त है, डिवोटी है, और वो मेरे पास आती है और आपके शरण में आई है, तो आप अगर ऐसी आदेश दे दें तो मैं तो फॉलो नहीं कर पाऊंगी। और फिर ठाकुर ने आपत्ति नहीं की, फिर ठाकुर ने कहा ठीक है लेकिन प्रयास करो कि ऐसा ना हो।
तो जो ईश्वरावतार रहते हैं और जो बहुत बड़े साधक रहते हैं उनको तो पूरा पता चलता है कि भाई ये जो व्यक्ति जो हमें खाना परोस रहा है या जिसने खाना बनाया है वो पर्टिकुलर अच्छा चरित्र वाला ही है और फिर वो मना कर सकते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो है अभी हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं तो अभी जो परोस रहा है क्या वो अभी अच्छा चरित्र है कि नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारे हमें इनडायरेक्टली कभी बाद में कभी पता चला तो हमें थोड़ा सा बुरा लगेगा। लेकिन श्राद्ध का जो अन्न है वो माता जी ने क्लियरली बताया है कि भाई श्राद्ध का अन्न तुम अवॉइड करो, लेकिन अगर घर के कोई व्यक्ति का कुछ श्राद्ध का सेरेमनी है तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है। वो माता जी की जो जीवनी और उपदेश जो है उसमें ये पर्टिकुलर इंसिडेंट आएगा कि श्राद्ध का अन्न बेटर है अवॉइड करो, या अगर अवॉइड नहीं कर सकते हो कि तो फिर कुछ यही नहीं है, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं रहता हमारे पास। तो उसमें हमें थोड़ा सावध रहना पड़ेगा। और जहां तक ये अभी लहसुन प्याज तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारा इधर तमिलनाडु में तो हमारा हमारा प्रसाद जो रहता है दोपहर का रात का तो हम तो स्टूडेंट्स के साथ ही प्रसाद लेते हैं तो इसमें भरपूर मात्रा में लहसुन और प्याज दोनों ही डालते हैं। तो अगर हमें स्टूडेंट्स के साथ रहना है या उन्हीं का खाना खाना पड़ेगा तो अब हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हमें तो वो ठाकुर को ऑफर करके हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। भले ही अभी इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर में स्वामी जी ने कहा है कि भाई तुम अवॉइड करो, लेकिन फिर भी कभी कभी विशेष सरकमस्टेंस में हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते तो उसका कुछ ऑप्शन नहीं है। जितना हो सके अवॉइड करना है, नहीं अवॉइड कर सकते तो ठाकुर जी से माफी मांगनी पड़ेगी कि भाई हम असमर्थ है अवॉइड करने को, हम तो पूरा प्रयास कर रहे थे लेकिन हम अवॉइड नहीं कर पाए, उतना ही हम कर सकते हैं। और क्या है ये सब बहुत सारे चीज जो है वो उससे उत्तेजना बढ़ जाती है। तो ये लहसुन प्याज और बहुत सारा मसाला और ये कहीं सारा झाल जो बोलते हैं हम लोग तो तीखा और ऐसा सब जो कहते हैं तो इसलिए अवॉइड करना है कि उत्तेजना हो सकती है इसलिए हम अवॉइड करते हैं। शांति 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 हरि ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।